हेलो एवरीवन, मैं भी सुनी आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, वाम वेलकम करता हूँ। आज हम बात करेंगे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम होगा पेल्विस। ओके, कि व्हाट इज द पेल्विस। पेल्विस से वैसे बात करेंगे मिडवाइफरी के अंदर, तो मिडवाइफरी के अंदर पेल्विस क्यों इम्पोर्टेंट है, मिडवाइफरी में फिटस डिलीवरी के दौरान पेल्विस के डायमीटर है, उनकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी या क्या उनकी भूमिका रहेगी, उनके बारे में बात करेंगे। ये सुनो कि डायमीटर अगर ज़्यादा नेरो होगा तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है फिटस की डिलीवरी में या नॉर्मल वेजाइनर डिलीवरी में। सो ऑल दैट कंडीशन में हम डायमीटर्स और टाइप्स के बारे में बात करेंगे और व्हाट इज द स्पेशली डायमीटर के बारे में बात करेंगे। ये सुनो, तो हम आज बात करने वाले इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम होगा पेल्विस। ये सुनो कि व्हाट इज द पेल्विस, पेल्विस क्या है, पेल्विस के बारे में बात करें तो पेल्विस के अंदर देखो हम सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज द पेल्विस। यस ओके, तो देखो पेल्विस के अंदर सबसे पहले इन दैट कंडीशन डील करें तो पेल्विस है वो एक बेसिन लाइक स्ट्रक्चर होता है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट, यस, बेसिन लाइक स्ट्रक्चर की जैसे अपन हैंड वॉश करने का जो वॉश बेसिन होता है उससे के समान संरचना है, कि ऊपर से होता है वो वाइड होता है और नीचे की तरफ से देखें तो कैसा होता है, ये सुनो नेरो होता है, ये सुनो। तो इसलिए इसको अपन वेरी इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं, बेसिन लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है कि फीमेल पेल्विस का, या मैं बोलूँ एक कॉमन पेल्विस का जो शेप होता है वो कैसा होता है, तो हमें बताना है बेसिन लाइक स्ट्रक्चर होती है। ओके, ओ यस, बेसिन लाइक स्ट्रक्चर इन द बॉडी। फीमेल पेल्विस इज ए फोर बोन, फीमेल पेल्विस है वो चार बोन से मिलकर बना होता है, दो इनोमिनेट बोन होती है, एक सेक्रम होता है, एक और कॉकिक्स होता है। ये कैसे, यस वी कैन सी, यस इन दैट कंडीशन में, ओके ये फीमेल पेल्विस आप देख पा रहे हैं, यस और नो, यस ये फीमेल पेल्विस, मेल फीमेल दोनों का ही अभी मैं बोलूँ कि ये जो पेल्विस है वो हमारे फोर बोन से मिलकर बना है, फोर बोन, चार बोन से मिलकर बना होता है, दो इनोमिनेट बोन, इनोमिनेट बोन, एक होता है सेक्रम और एक होता है कॉकेक्स, एक होता है कॉकेक्स। इसका मतलब कि आप ये देख रहे हो ये इनोमिनेट बोन है और ये दूसरी इनोमिनेट है, यानी वन इनोमिनेट बोन, वन इनोमिनेट बोन, यानी ये दो इनोमिनेट बोन है इधर वाली, ये सुनो। और ये जो पोर्शन देख रहे हो ये हमारा क्या है, पेल्विस का सेक्रम है, और ये जो पोर्शन लास्ट का टर्मिनल पोर्शन है उसको अपन क्या बोलते हैं, इसको कॉकिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉकिक्स बोलते हैं। तो हमारे पास में चार बोन्स हो गई, बोलो ये सुनो, यस। इसके अंदर अपन बात करें तो देखो कि पीछे की साइड में बात करेंगे, देखो इन दैट कंडीशन, यस इन दैट कंडीशन में देखो कि ये आप इनोमिनेट बोन का पोस्टीरियर भाग देख रहे हो, यस, तो पोस्टीरियर भाग के अंदर हम बात करें, यस, तो देखो ये इनोमिनेट बोन पोर्शन, ये इनोमिनेट, और पीछे के पोर्शन से बात करें तो ये कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारा सेक्रम होगा, और जो लास्ट में नीचे की तरफ होगा इससे अपन क्या बोलते हैं, इससे अपन कॉकिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉकिक्स बोलते हैं, ये सुनो। ओके, तो बात करते हैं वापस व्हाट इज द कंडीशन, ये तो इसका मतलब ये चार बोन से मिलकर बना होता है, दो इनोमिनेट बोन, वन वन सेक्रम और वन कॉकिक्स होता है, ये सुनो, यस। तो वापस बात करें तो इसका मतलब कि दो इनोमिनेट बोन हो गई, एक सेक्रम हो गया और एक कॉकिक्स हो गई, मतलब कुल मिला के हमारे पास में चार बोन हो गई जिसे पेल्विस है वो बना हुआ होता है, ये सुनो। अगली कंडीशन में बात करें कि जो देर आर द यूनाइटेड टुगेदर बाय द फोर जॉइंट, कि जो पेल्विस होता है उसके चार जॉइंट होते हैं, चार बोन होती है, तो इसका मतलब चार ही जॉइंट होंगे डेफिनेटली, यस, टू होते हैं, टू सेक्रो इलियक जॉइंट होते हैं, वन सेक्रो कोक्सीजल जॉइंट होगा और वन सिंपाइसिस प्यूबिस जॉइंट होगा, बोलो ये सुनो, यस। हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट, वी कैन सी इन द डायग्राम, यस इन दैट कंडीशन में वी कैन सी, इसमें आप देखो टू सेक्रो इलियक जॉइंट होते हैं, कितने होते हैं, टू सेक्रो इलियक जॉइंट, यानी फोर ही क्या होते हैं, फोर क्या होते हैं, जॉइंट होते हैं। तो इन दैट कंडीशन में आप ये जो जॉइंट देख पा रहे हैं, ये जॉइंट है वन और टू, इसको अपन क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये सेक्रम है और ये क्या है, ओके सेक्रो, और ये क्या है, इलियम है, क्या है, इलियम है, ये सुनो। अभी हम बात करेंगे कि इनोमिनेट बोन के भी तीन पार्ट्स होते हैं, ये सुनो। तो अभी हम बात करें जॉइंट्स के बारे में कि चार जॉइंट कौन कौन से होते हैं, सेक्रो इलियक जॉइंट, इसका मतलब कि सेक्रम और इलियक यहाँ पर जुड़ रही है क्या, तो इसको अपन बोलते हैं सेक्रो इलियक जॉइंट, एक ये जॉइंट और एक ये जॉइंट, ये सुनो। ओके, तो इन दैट कंडीशन में देखो कि ये आपको जॉइंट दिख रहा है, ओके
यस, यहाँ से लेके पूरा पोर्शन लेके पीछे से लगाकर ये जो जॉइंट है उसको अपन सेक्रोइलियक जॉइंट बोलते हैं, या इलियक सेक्रो जॉइंट भी बोल सकते हैं, बहुत और नाम याद है। ओके, इसके बाद अपन बात करें यस और नो। यस, अगला जो एक जॉइंट होता है, ये दो जॉइंट हो गए और इसके बाद में एक ये जॉइंट होता है, इसका नाम होता है सिम्फाइसिस प्यूबिस। यस और नो, व्हाट इज द नेम दिस दिस जॉइंट दिस जॉइंट, ये जो मैं बोल रहा हूँ कि इनोमिनेट बोन जुड़ रही है, यहाँ से इनोमिनेट जुड़ गई, यहाँ है, इसका नाम है सिम्फाइसिस प्यूबिस, इसका नाम है सिम्फाइसिस प्यूबिस जॉइंट बोलते हैं। ये एक होता है सिंगल पोर्शन होता है जो इनोमिनेट बोन को जोड़ता है आगे से। अगली मैं बात करूं नंबर अगला, यस अगला जो जॉइंट है हमारे सामने, वी कैन सी द पोस्टीरियर साइड में अपन बात करें, देखो यस, तो अगला जो आप ये जॉइंट देख पा रहे हैं इन दैट कंडीशन में, या ये क्या है, सेक्रम है और ये क्या है, कोकिक्स है, तो इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, सेक्रो कोक्सिजियल जॉइंट बोल दे। इस जॉइंट का नाम क्या दे दिया, सेक्रो कोक्सिजियल जॉइंट, क्या नाम दे दिया, सेक्रो कोक्सिजियल जॉइंट नाम से जाना जाता है। बोलो ये सुनो, यस, तो हमारे पास में जॉइंट कितने हो गए, फोर जॉइंट हो गए। बोलो ये सुनो, टू हो गया सेक्रो इलियक जॉइंट, वन हो गया सेक्रो कोक्सिजियल जॉइंट, और वन हो गया सिम्फाइसिस प्यूबिस। इसका मतलब हमारे पास में जॉइंट कितने हो गए, चार जॉइंट हो गए। ये सुनो, ओके, अगली कंडीशन में हम बात करेंगे, यस, नेक्स्ट नेक्स्ट पोर्शन में, तो इसका मतलब हमारे पास में चार जॉइंट हो गए, टू सेक्रोइलियक जॉइंट, सेक्रोकोक्सिजियल जॉइंट वन, यानी टू वन वन, मीन्स हमारे पास में के कुल मिला के कितने जॉइंट हो गए, फोर जॉइंट हो गए। तो वी ने व्हेन एवर आस्किंग हाउ मेनी जॉइंट्स इन द पेल्विस, तो वी कैन यू हैव आंसर द फोर जॉइंट आर देयर, यस और नो। ओके, नेक्स्ट कंडीशन में देखो कि द पेल्विस इज एनाटोमिकली डिवाइडेड टू टाइप, कि पेल्विस को एनाटोमिकली रूप से दो भागों में बांटा गया है। एनाटोमिकली मतलब मीन्स वर्ड द स्ट्रक्चरली, कि स्ट्रक्चर रूप से मैं कह सकता हूं कि पेल्विस को है वो दो भागों में बांटा गया है, ट्रू पेल्विस एंड द फाल्स पेल्विस। यस, फाल्स पेल्विस एंड ट्रू पेल्विस के दो भागों में बांटा गया है। आइए बात करते हैं कि व्हाट इज द कंडीशन। यस, फाल्स का मतलब होता है कि डिलीवरी में इसका कोई भूमिका नहीं होती है, कि जब प्रेग्नेंट लेडी होती है इसका डिलीवरी में फिटस के पासिंग में इसका कोई भूमिका रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, इसलिए इसका नाम दे दिया फाल्स पेल्विस। हालांकि ये पार्ट ऑफ द पेल्विस है, बट मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, हम मिडवाइफरी के अंदर ऑब्स्टेट्रिक के अंदर पेल्विस की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली पासिंग वे ऑफ द बात होती है, पासिंग वे ऑफ फिटस की, फिटस के पासिंग वे के बारे में बात हो रही है, तो इसका मतलब फाल्स पेल्विस है वो फीमेल फिटस के पासिंग वे में रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है, दैट्स वाई हम इसको फाल्स पेल्विस कहते हैं। इनोमिनेट बोन के इलियक भाग से बना हुआ होता है, अभी हमने बात किया कि इनोमिनेट बोन के इलियक भाग से बना हुआ होता है। यस, वी कैन सी द पिक्चर, यस, वेरी इंपॉर्टेंट, देखो मैं बात करूंगी इनोमिनेट बोन, वन इनोमिनेट बोन, टू इनोमिनेबल बोन हो गया। इनोमिनेट बोन को भी तीन भागों में बांटा गया है, इलियम, ईशियम और प्यूबिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनोमिनेट बोन को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, इलियम, ईशियम और प्यूबिस। बोले सुनो, तो इसका मतलब कह रहा है कि साहब की जो फाल्स पेल्विस होता है, फाल्स पेल्विस है वो इलियम के भाग से बना हुआ होता है। ये सुनो, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि फाल्स पेल्विस की बात करें इनोमिनेट बोन के इलियक भाग से बनता है। ये सुनो, बाउंड्रीज की बात करें, इसकी सीमाएं की बात करें कि सीमाएं कहाँ कहाँ पर है, तो एंटीरियर की बात करें तो एब्डोमिनल वॉल, पोस्टेरियर बात करें तो लंबर वर्टिब्रा, और लेटरल बात करें तो इलियक फोसा। देखिए बात करते हैं, यस, इन दैट कंडीशन में हम स्पेशली इसके अंदर देखते हैं, यस, इस आप डायमीटर इसको डायमीटर को देखते हैं, लाइक वी हैव द फाल्स पेल्विस, इसके अंदर देखो को फाल्स पेल्विस, ये फाल्स पेल्विस की बात कर रहा है, फाल्स पेल्विस के अंदर ये क्या है, इलियम है, इलियम, राइट, तो ये पोर्शन की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये इसका क्या है, एंटीरियर है। ये सुनो, तो एंटीरियर मतलब सामने की तरफ है, वो क्या है, इलिया के अंदर,
कि सामने की तरफ ये है, तो इसका मतलब यहाँ आगे क्या होगा, बाउंड्री की तरफ। एंटीरियर की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, एब्डोमिनल वाल होगा, एब्डोमिनल वाल यानी पूरा ये हमारा उधर होगा, ये सुनो। ओके, पोस्टीरियर के बारे में बात करें इसके अंदर, तो पोस्टीरियर की तरफ वे करते हैं, ये सुनो। तो इन दैट पोस्टीरियर, पोस्टीरियर क्या होगा, ये वर्टिब्रा होगी, क्या होगी, वर्टिब्रा, ये सुनो। तो पोस्टीरियर क्या होगी, वर्टिब्रा, वर्टिब्रे, वर्टिब्रे किसकी, सेक्रम की, किसकी, सेक्रम की वर्टिब्रा होगी। और अगली कंडीशन में आप डील करें, इन दैट कंडीशन, यस, लेटरल पोर्शन के बारे में बात करें, लेटरल पोर्शन के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं इस पोर्शन के बारे में बात की जा रही है, ये पोर्शन के बारे में, यस, ऑल ओवर कंडीशन। ये क्या है, ये क्या है, फोसा है। फोसा का मतलब होता है कि इसे अपन इलियक, इलियक फोसा बोलते हैं, इलियक फोसा, फोसा का मतलब होता है गड्ढा। क्या होता है, गड्ढा, कि जो कह सकते हैं कि फाल्स पेल्विस के अंदर जो लेटरल साइड के अंदर होता है, पार्सो साइड के अंदर होता है, वहां पर इलियक फोसा होता है। फोसा का मतलब ये गड्ढा होता है, यानी यहाँ से पेल्विस है वो गुजरता नहीं है, इसका मतलब ये फाल्स पेल्विस, दैट्स व्हाई वी कैन कॉल द फाल्स पेल्विस, ये सुनो। तो हमने एंटीरियर पोर्शन के बारे में बात, बाउंड्री की बात की, फाल्स पेल्विस के अंदर तो एब्डोमिनल वाल होती है, सामने की तरफ एब्डोमिनल वाल होती है, पोस्टीरियर बात करें तो वर्टिब्रा होती है, और लेटरली की बात करें तो कौन सा होता है, फोसा होता है, यानी फोसा कौन सा, इलियक फोसा होता है। बोलो ये सुनो, यस, इलियक फोसा होता है, यस। तो अगली कंडीशन में हम बात करेंगे, अगली कंडीशन में हमारे पास में, यस, तो इसका मतलब हमने बात किया कि इनोमिनेट बोन के भी तीन भाग होते हैं, इलियम, ईशियम और प्यूबिस होता है। बोलो ये सुनो, यस, ओके। तो यस, कि हमने बात किया एब्डोमिनल वाले, एंटीरियर, पोस्टीरियर में लंबर वर्टिब्रा, लंबर वर्टी मतलब सेक्रम से ऊपर का भी पोर्शन आएगा कुछ पोर्शन, लेटरल में इलियक फोसा हो गया, ये सुन लो, यस। अगली वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बात करेंगे, ट्रू पेल्विस क्या है, व्हाट इज द ट्रू पेल्विस, हैव यू अंडरस्टैंड, यस। फाल्स पेल्विस के नीचे के भाग को ट्रू पेल्विस कहते हैं, ये सुनो, कि फाल्स पेल्विस के नीचे के पोर्शन को ट्रू पेल्विस कहते हैं। इसे तीन भागों में बांटा गया है, इनलेट, कैविटी और आउटलेट, ये सुनो, ओके, इनलेट, कैविटी और, इनलेट, कैविटी और आउटलेट, वी कैन सी द पिक्चर, यस। कि देखो कि ये पोर्शन हमारा फाल्स पेल्विस है, ये फाल्स पेल्विस है, और जो आप ये पोर्शन देखोगे, ये पोर्शन देखोगे, ये क्या है, ट्रू पेल्विस है, ये ट्रू पेल्विस है। ट्रू पेल्विस के भी तीन भाग हो गए, ये सुनो, यस, ब्रिम यानी इनलेट, कैविटी और आउटलेट हो गया, आउटलेट हो गया, ये सुनो। तो इसका मतलब ये जो पोर्शन सबसे ऊपर वाला पोर्शन देख रहे हैं, यस, वी कैन पिक्चर इन 3D, आप 3D पिक्चर के अंदर आप देख रहे हैं कि देखो कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, यस, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसके अंदर आप देख रहे हैं, यस, कि सबसे ऊपर वाला पोर्शन देख रहे हैं इसके अंदर है वो क्या कंडीशन है, वो है हमारा इनलेट, यानी इसे ब्रिम की कहते हैं, और इसके जो बीच वाला पोर्शन देख रहे हो इसके अंदर, उसको अपन क्या बोलते हैं, यस, उसको अपन बोलते हैं कैविटी, और सबसे जो लास्ट का जो पोर्शन देख पा रहे हैं, ये जो पोर्शन देख रहे हैं उसको बोलते हैं आउटलेट, बोलते हैं क्या, बोलते हैं आउटलेट, सबसे बाहर का पोर्शन। बोलो ये सुनो, यस, इसका मतलब हमारे पास में ट्रू पेल्विस के मुख्य रूप से कितने भाग हो गए, तीन भाग हो गए, कितने भाग हो गए, तीन भाग हो गए, इनलेट, कैविटी और आउटलेट। सबसे ऊपर का भाग होगा, यानी फाल्स पेल्विस के नीचे से लगाकर सबसे पहले इनलेट, फिर कैविटी, फिर आउटलेट पोर्शन होगा। इसके बाउंड्री की बात करें, सीमाएं की बात करें, तो देखो सबसे आगे की तरफ सिम्फाइसिस प्यूबिस होगा, पोस्टीरियर साइड में सेक्रम और कॉकिक्स होगा, और लेटरल की बात करें तो पेल्विस मसल यानी इश्चल स्पाइन होता है, ये सुनो, यस, We can understand this picture also. Okay. तो इसका मतलब कि देखो कि हमारा जो ये है ट्रू पेल्विस है, ये ट्रू पेल्विस है, ये क्या है, ट्रू पेल्विस है, और इसके नीचे जो बीच का पोर्शन होगा 3D अपन बात करें तो उसको अपन क्या बोलते हैं, यस, कैविटी, इसके ऊपर का मेन पोर्शन होगा उसको बोलते हैं इनलेट, और इसके लास्ट नीचे का पोर्शन होगा उसको बोलते हैं आउटलेट, क्या बोलते हैं, आउटलेट। और इसके बाद हम बात करें कि
यस, इसकी बाउंड्री की बात करें तो एंटीरियर क्या होगा, सिंपाइसिस प्यूबिस होगा, सिंपाइसिस, क्योंकि ये सामने की तरफ है ये, सुनो। और पीछे की तरफ हम बात करें तो इसका मतलब अब सेक्रम और कॉकिक्स होगा, सेक्रम और कॉकिक्स, क्योंकि पाल्स पेल्विस की बात करें तो वहां पर कुछ पोर्शन सेक्रम बट लंबर वर्टिब्रा आती है, क्या आती है, लंबर वर्टिब्रा इन द फाल्स पेल्विस, बट ट्रू शामिल, ट्रू स्टार्टिंग होता है, यानी इसके नीचे के पोर्शन के बाद ही तो ट्रू शुरू होता है, इसका मतलब स्टार्टिंग होती है, बिगनिंग होती है। तो सेक्रम और कॉकिक्स पोर्शन आएगा पोस्टीरियर में, एंटीरियर में आएगा सिंपाइसिस प्यूबिस, और लेटरल के अंदर आएगा क्या आएगा, पेल्विक मसल्स आएगी, यहाँ पर जो आएगी पेल्विस मसल्स आएगी और इलियाक स्पाइन आएगा, ये पेल्विक स्पाइन आएगा, ये सुन लो। तो इसका मतलब हमने बाउंड्री के बारे में बात की, वो भी किसका, डायमेंट बाउंड्री, ट्रू पेल्विस का, यस। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट हम बात करेंगे लैंडमार्क्स क्या होते हैं, ये सुन लो कि जो आप पोर्शन देख पा रहे हैं कि यहाँ से एक नंबर से लगाकर जो 9 नंबर पोर्शन दिया हुआ है कि 1 बाय 1, इधर से लगाकर इधर से भी, ये हमारे जैसे कि यहाँ पर मैं 2 नंबर बोलूँ, 3 नंबर, और ये 4 नंबर, ये 5, यस, सिक्स एंड द 7 इज द 8 एंड इज द 9 पोर्शन, यानी लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से जो पेल्विस होता है इसको अपन वो लैंडमार्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लैंडमार्क, या मैं बोल सकता हूँ बोनी लैंडमार्क, यस। कि जब भी पेल्विस की जब स्ट्रक्चर को डील करते हैं तो वहां पर कहाँ से एंटीरियर पोस्टीरियर, कहाँ से ट्रांसवर्स ऑब्लिक का जो डायमीटर है काउंट किया जाता है, वहां पर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंस रखता है वो क्या होता है, लैंडमार्क होता है, यस, वी कैन अंडरस्टैंड, यस। तो सबसे पहले जो एक नंबर जो लैंडमार्क होगा, यानी इनलेट के बारे में बात करें तो ये सो सिंपाइसिस प्यूबिस होगा, वेरी इंपॉर्टेंट कि एक नंबर जो कंडीशन में आप देख पा रहे हैं इसको अपन बोलते हैं सिंपाइसिस प्यूबिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंपाइसिस प्यूबिस। 2 नंबर लैंडमार्क का नाम होगा हमारे लिए प्यूबिक क्रिस्ट होगा, इसे जो बोलते हैं इसको अपन बोलते हैं प्यूबिक क्रिस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्यूबिक क्रिस्ट बोलते हैं। नंबर थर्ड के बारे में बात करें तो इसे बोलते हैं प्यूबिक ट्यूबरकल बोलते हैं, नंबर थर्ड इज द नेम प्यूबिक ट्यूबरकल, ये सुनो, ओके। नंबर फोर्थ के बारे में बात करें तो पेक्टोरियल लाइन बोलते हैं, नंबर फोर्थ के बारे में ये पोर्शन की, ये बोन की बात करते हैं इसको पेक्टिनियल, सॉरी पेक्टिनियल लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेक्टिनियल लाइन बोलते हैं। नंबर फिफ्थ के बारे में बात करें तो इलियो प्यूबिक इनिमिस बोलते हैं, नंबर फिफ्थ जो ये पोर्शन देख रहे हो इसको बोलते हैं इलियो प्यूबिक इनिमिस, इनिमिस का मतलब कहीं ना कहीं किनारे की बात हो रही है, ये सुनो, ओके, इडीज किनारा। और नंबर सिक्स के बारे में बात करें तो इलियो पेक्टोरियल लाइन हो गई, ये सुनो, एक तो होती है खाली पेक्टोरियल लाइन और नंबर सिक्स होती है, नंबर सिक्स होता है इलियो पेक्टोरियल लाइन, क्योंकि ये अब पोर्शन है वो किसका आ रहा है, इलियम का आ रहा है, ये सुनो, यहाँ से इलियम पोर्शन है तो इसको बोलते हैं इलियो पेक्टिनियल लाइन बोलते हैं, इलियो पेक्टिनियल लाइन बोलते हैं, ये सुनो। नंबर सेवन के बारे में बात करें तो इसका मतलब देखो कि यहाँ पर ये हमारे क्या है, इलियम और सेक्रम जुड़ रहा है, तो इसके लिए इसका नाम दे दिया इलियो सेक्रो इलिया आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन का मतलब होता है जुड़ना होता है, क्या होता है, जुड़ना होता है, तो इलियम और सेक्रम है आपस में यहाँ पर जुड़ रहे हैं, इसको वो नाम दे दिया इलियो, या मैं बोल सकता हूँ सेक्रो, सेक्रो इलियक आर्टिकुलेशन, सेक्रो इलियक आर्टिकुलेशन का मतलब कि जहां पर सेक्रम और इलियम आपस से जुड़ते हैं उस लैंडमार्क का नाम क्या है, उसका नाम है सेक्रो इलियक आर्टिकुलेशन। नंबर एट के बारे में बात करें तो एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द इलियक, सॉरी एंटीरियर बॉर्डर ऑफ एला ऑफ सेक्रम, ये इसको बोलते हैं सेक्रम एला बोलते हैं नाम, और इसका मतलब कि ये है 8 नंबर का जो पॉइंट है, जो फर्स्ट पॉइंट आपको ये दिख रहा है इसको बोलते हैं एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द सेक्रम एला बोलते हैं, ये सुनो, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द सेक्रम एला। और नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं सेक्रल परमोनेंट्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेक्रल परमोनेंट्री। जितने भी 9 लैंडमार्क हैं वो जब हम डायमीटर के बारे में बात करें तो डेफिनेटली वहां पर ये आएगा, ये सुनो, तो सेक्रल परमोनेंट्री बोलते हैं, सेक्रल परमोनेंट्री, सेक्रल परमोनेंट्री बोला जाता है, बोले सुनो, यस। अगली कंडीशन में हम बात करें तो देखो ये सेम कंडीशन में सिंपाइसिस प्यूबिस हो गया, प्यूबिक क्रेस्ट हो गया, 3 नंबर प्यूबिक ट्यूबरकल, पेक्टिनियल लाइन, इलियो प्यूबिक इनेमिस हो गया,
इलियो पेक्टोरल लाइन हो गया, सेक्रो इलियक आर्टिकुलेशन हो गया, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ सेक्रम एला हो गया, और 9 नंबर सेक्रम पल्मोनेट्री हो गया। बोलो ये सुनो, यस। अगली कंडीशन में सबसे पहले हम बात करेंगे इनलेट के बारे में कि डायमीटर, व्हाट इज द डायमीटर होता है, इनलेट के बारे में बात करें, या इसे अपन क्या बोल सकते हैं, ब्रिम बोल सकते हैं। ऑलरेडी डील कि इनलेट को ट्रू पेल्विस के इनलेट भाग को ब्रिम नाम से भी जाना जाता है। यस, शेप के बारे में बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलमोस्ट द राउंड क्या होता है, इसका जो शेप होता है वो राउंड शेप होता है। यस और नो? यस। प्लेन के बारे में बात करेंगे, कैसे बिछा हुआ होता है, क्या सेक्शन कटनिंग की होती है। इट इज इमेजिनरी फ्लैट सरफेस, की इमेजिन करें तो एक प्रकार का फ्लैट सरफेस है। कैसा है, फ्लैट यानी एक सरफेस सतह है, बाउंडेड बाय द बोनी पॉइंट्स। एक ऐसे इमेजिनरी हम सोचें तो ये एक प्रकार का फ्लैट यानी सीधा सरफेस है, और ये क्या होता है, बोनी पॉइंट से इसे क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। ये सुनो, ओके, मेंशनड एज दोज द ब्रिम, और इसे अपन क्या बोलते हैं, ब्रिम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रिम। ये सुनो, ओके, इंक्लिनेशन का मतलब कि इसका झुकाव के बारे में बात करें तो ये बेसिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इसका मतलब हम इनलेट के बारे में बात करें तो इन द इरेक्ट पोस्चर द पेल्विस इज द टिल्टेड फॉरवर्ड, कि जब भी कोई बॉडी है वो खड़ी अवस्था में है, इरेक्ट अवस्था में है, तो जो पेल्विस होता है वो आगे की तरफ झुका हुआ होता है, किस पेल्विस का भी इनलेट है वो आगे की तरफ झुका हुआ होता है, टिल्टेड फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ होता है, क्या होता है, आगे की तरफ। जब भी कोई एडल्ट, कोई व्यक्ति खड़ा हुआ होता है, एडल्ट मतलब कि स्टैंडिंग पोजीशन में होता है, तो उसका जो इनलेट पोर्शन है वो इरेक्ट होता, मैं कह सकता हूँ टिल्टेड फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ झुका हुआ होता है। बोलो सुनो, झुकाव के बारे में बात कर रहे हैं, इनलेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इन द इरेक्ट पोस्चर खड़ी हुई अवस्था में द पेल्विस इज टिल्टेड फॉरवर्ड, की पेल्विस है वो आगे की तरफ झुका हुआ होता है। ये सुनो, यस। अगले बात करेंगे इसके अंदर डायमीटर के बारे में बात करें, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम सबसे पहले बात करेंगे एंटीरियर एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर यानी आगे और पीछे के बारे में बात करेंगे। यस, एंटीरियर पोस्टीरियर आगे और पीछे के बारे में बात करेंगे, और सर मैं बोल सकता हूँ कि इनलेट के अंदर एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ट्रू कॉन्जुगेट, यस ट्रू कॉन्जुगेट हो गया, ऑब्स्टेटिक कॉन्जुगेट हो गया, और एक होता है डायगोनल कॉन्जुगेट हो गया। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक एग्जाम में डायगोनल कॉन्जुगेट का क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रू कॉन्जुगेट के बारे में, यस और नो? यस, ट्रू का मतलब सत्य है, तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, यस और नो? अभी हमारे पास में लैंडमार्क काम आएंगे, डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग, यस। तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ द सेक्रल परमोनेट्री टू द इनर मार्जिन ऑफ द अपर बॉर्डर ऑफ सिंपाइसिस प्यूबिस। ये सुनो कि कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच में डिस्टेंस होगा, तो मिड पॉइंट सेक्रल परमोनेट्री, सेक्रल परमोनेट्री का मिड पॉइंट और इनर मार्जिन ऑफ द अपर बॉर्डर ऑफ द सिंपाइसिस प्यूबिस। ये सुनो, अभी देखो आप वापस इन दैट कंडीशन में इसको देखने का, यस इसको देखो, हम इनलेट के बारे में बात कर रहे हैं और इनलेट के अंदर हम सबसे पहले डील कर रहे हैं, यस। तो देखो कि ये हमारा क्या है, सेक्रल परमोनेंट्री है, सेक्रल परमोनेंट्री, हमने लैंडमार्क यानी नंबर 9 लैंडमार्क के बारे में बात की, ये सेक्रल परमोनेंट्री है और ये सिंपाइसिस प्यूबिस है, और सिंपाइसिस प्यूबिस का भी ये बोल रहा है कि इनर, सॉरी इन दैट कंडीशन, वापस देखो आराम से, कि सेक्रल परमोनेंट्री का बोल रहा है सिंपाइसिस प्यूबिस के अंदर, यस सिंपाइसिस प्यूबिस का ये जो पोर्शन देख रहे हो ये इनर है और अपर है, इनर और अपर किसका, सिंपाइसिस प्यूबिस का। इसका मतलब ये सेक्रल परमोनेंट्री और ये इनर, इनर यानी अंदर का पोर्शन, अपर यानी ऊपर का है, किसका, सिंपाइसिस प्यूबिस का। तो अगर इस कंडीशन में अगर यहाँ पर लाइन की जाए इन दैट कंडीशन, तो इसका मतलब ये तो हमारा क्या हो गया, एंटीरियर हो गया, क्या हो गया, एंटीरियर, और ये पोर्शन क्या हो गया, पोस्टीरियर हो गया, क्या हो गया, पोस्टीरियर। ये सुनो, तो ये हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर हो गया, और एंटीरियर पोस्टीरियर के अंदर सबसे पहले हमने बात किया ट्रू कॉन्जुगेट के बारे में, बात किया किसके बारे में,
ट्रू कॉन्जुगेट के बारे में बात किया। तो ट्रू कॉन्जुगेट का जो मिड, हमें अगर लैंडमार्क पूछे तो हम कह सकते हैं कि मैं कह सकता हूँ मिड पॉइंट ऑफ द सेक्रल परमोनेट्री एंड इनर अपर मार्जिन ऑफ द सिम्पाइसिस पुबिस वी कैन इंक्लूड इन द व्हाट ट्रू कॉन्जुगेट। यस वी कैन इंक्लूड इन द ट्रू कॉन्जुगेट। बोलो स्वर्णो। यस इसका मतलब आप ये समझ गए यस कंडीशन। तो यस तो इसका मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ द सेक्रल परमोनेट्री टू द इनर मार्जिन ऑफ द अपर बॉर्डर ऑफ द सिम्पाइसिस पुबिस यस और नो। और जो ये होता है वो 11 सेंटीमीटर होता है। अभी हमने जो डिस्टेंस मापा था वो 11 सेंटीमीटर होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यस और नो। यस ट्रू कॉन्जुगेट के बारे में बात किया। यस इसका मतलब देखो कि ये हमारा सेक्रल परमोनेट्री, ये सिम्पाइसिस पुबिस और सिम्पाइसिस पुबिस का ये इनर पोर्शन और ये इनर और अपर सेक्रल परमोनेट्री मिड पॉइंट, ये पोर्शन हो गया हमारा ट्रू कॉन्जुगेट हो गया। क्या हो गया? ट्रू कॉन्जुगेट हो गया। यस वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड, अगर मैं इसको सीधा करें तो ये सिम्पाइसिस पुबिस अपर है और इनर है ये सुनो, और ये सेक्रल परमोनेंट्री है, सेक्रल परमोनेंट्री। और ट्रू कॉन्जुगेट के बारे में बात कर रहा है 11 सेंटीमीटर ये सुनो। ओके वेरी इंपॉर्टेंट। अगली हम बात करें ऑब्स्टेटिक कॉन्जुगेट के बारे में बात करें। व्हाट इज द ऑब्स्टेटिक कॉन्जुगेट? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ द सेक्रल परमोनेंट्री की पीछे की तरफ की बात करें, पोस्टीरियर साइड की बात करें तो वहां पर सेक्रल परमोनेंट्री होगा एंड इनर सरफेस ऑफ द सिम्पाइसिस प्यूबिस ये सुनो। इनर सरफेस ऑफ द सिम्पाइसिस पुबिस, सिम्पाइसिस के अंदर का पोर्शन होगा वो क्या होगा? ऑब्स्टेटिक कॉन्जुगेट होगा। यस वी कैन सी द दिस पिक्चर। यस देखो कि देखो अंदर की पोर्शन की बात करें तो देखो अंदर की तरफ मैं आपको बता दूं कि ये पोर्शन है जो आप देख रहे हैं, ये पोर्शन है वो अंदर का होगा। और अगर मैं वापस इसको इधर ऐसे करूं ये सुनो, ओके ओके और ये हमारा क्या होगा, ये जो पोर्शन देख पा रहे हो ये क्या है? सेक्रल परमोनेट्री है। तो इसका मतलब इसके अंदर की तरफ बात करें तो उसको अपन मिड पॉइंट ऑफ द सेक्रल परमोनेट्री और सिम्पाइसिस पुबिस का क्या होगा? इनर पोर्शन होगा। अभी कोई मिड कुछ भी नहीं है, ना अपर है ना लोअर है, अंदर की बात करा, इनर मिडल बोल सकते हो आप, इनर मिडल बोल सकते हो ये सुनो। और ये होता है हमारा 10 सेंटीमीटर होता है। कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर ये सुनो। और ट्रू कितना था? वो था 11 सेंटीमीटर था। बोलो ये सुनो। यस तो इसका मतलब हमने इसके बारे में बात किया कि ऑब्स्टेटिक कॉन्जुगेट के बारे में बात किया ये सुनो। तो इसका मतलब कि जो मिड पॉइंट ऑफ द सेक्रल परमोनेंट्री अगर हम इस डायमीटर से समझे यस, तो इसके कंडीशन की हम बात करें इन दैट कंडीशन, तो इसका मतलब देखो कि ये क्या है? इनर सरफेस है। क्या है? इनर है। और ये सेक्रल परमोनेंट्री है और यहाँ से यहाँ का डायमीटर वो 10 सेंटीमीटर है। इसे अपन ऑब्स्टेटिक कॉन्जुगेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्स्टेटिक कॉन्जुगेट कहते हैं ये सुनो। ओके और इसका जो डायमीटर होता है वो 10 सेंटीमीटर होता है। क्यों? कारण है हमारे पास देखो, यहाँ ये है मैं कह सकता हूँ अपर और इनर है। तो इसका मतलब ये देखो कि आगे का पोर्शन लग रहा है आपको, वी कैन सी ये पोर्शन अंदर है और ये अपर इनर है। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर ज्यादा है और ये 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये 11 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर हो गया। जरूरी है ये सुनो। और यहाँ का कोई फर्क नहीं है क्योंकि ये एक ही पॉइंट पर मिलते हैं, सेक्रल परमोनेंट्री के मिड पॉइंट पर मिलते हैं। डायमीटर यहाँ से चेंज होता है, यहाँ ये आगे है तो इसका मतलब डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा और यहाँ थोड़ा सा ये एरो देख रहे हो कम है, इससे छोटा एरो है, इसका मतलब ये 10 सेंटीमीटर होगा। बोलो सुनो। यस अगली कंडीशन में बात करें, यस ये इंच में है 4 सेंटीमीटर। यस अगला नंबर थर्ड है वो डायगोनल कॉन्जुगेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायगोनल कॉन्जुगेट। इट इज बिटवीन लोअर बॉर्डर ऑफ द सिम्पाइसिस पुबिस एंड मिड पॉइंट ऑफ द सेक्रल परमोनेंट्री। सिंपल सी बात है कि लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्पाइसिस प्यूबिस
ये सिंपल प्यूबिस का ये क्या था, ये अपर था और ये क्या है, लोअर है। हाँ, तो लोअर बॉर्डर ऑफ द सिंपाजिस प्यूबिस का लिया हमने और हमने सेक्रल परमोनेटरी को जोड़ दिया, तो हमारे पास में जो पोर्शन आया वो डायगोनल कॉन्जुगेट आया, वो भी हमारे पास एंटीरियर पोस्टीरियर। और जब मापने की बात करें तो डायमीटर होगा वो 12 सेंटीमीटर होता है। कितना सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो इस पोर्शन से ये पोर्शन है वो थोड़ा इधर की तरफ जा रहा है। अगर ऐसा होता तो फिर ये 11 होता, बट ये आगे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये 1 सेंटीमीटर इससे क्या है, ज्यादा डायमीटर है। 1 सेंटीमीटर क्या है, वो लंबा है। बोलो ऐसा नो? यस ओके। तो इसका मतलब कि एंटीरियर पोस्टीरियर इनलेट के अंदर, एंटीरियर पोस्टीरियर के अंदर डायगोनल कॉन्जुगेट है वो 12, ऑब्स्टेटिक कॉन्जुगेट होता है 10 सेंटीमीटर और ट्रू कॉन्जुगेट होता है हमारा 11 सेंटीमीटर। बोलो ऐसा नो? यस। अगली पोर्शन की तरफ हम बात करें, देखो ये होता है डायगोनल कॉन्जुगेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं कि डायगोनल कॉन्जुगेट को बाई द मैन्युअली हम है वो क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, यानी कि ग्लाउज पहन कर जब पीवी की जाती है पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, तो ये सेक्रल सॉरी ये क्या है, सिम्फाइसिस प्यूबिस है। और सिम्फाइसिस प्यूबिस में डायरेक्ट ऐसे फिंगर डाली जाती है, तो ये जो पोर्शन है वो सेक्रल परमोनेंट्री है। क्या है? सेक्रल परमोनेंट्री। तो इसका मतलब हम डायगोनल कॉन्जुगेट को बाई मैनुअली एग्जामिनेशन कर सकते हैं और ये होता है 12 सेंटीमीटर। कितना? 12 सेंटीमीटर। हो यू अंडरस्टैंड? यस। अगली बात करें ट्रांसवर्स डायमीटर के बारे में। यस, इनलेट के अंदर ट्रांसवर्स की बात हो रही है, इनलेट के अंदर यानी ब्रिम के अंदर ट्रांसवर्स के बारे में बात करें। एंटीरियर पोस्टर की बात कर ली हमने। इट इज डिस्टेंस बिटवीन द टू टू फर्दरेस्ट पॉइंट ऑफ द पेल्विस ब्रिम ओवर द इलियोपेक्टिनल लाइंस। यस और नो? कि इलियोपेक्टिनल लाइंस के मध्य जो दूरी होती है इसे अपन ट्रांसवर्स डायमीटर में काउंट करते हैं। यस और नो? यस। अभी हमने देखो बात किया था, यस और नो, कि देखो इलियोपेक्टिनल लाइन नंबर 6 के बारे में बात हो रही है। इलियोपेक्टिनल लाइन इज द कवर ट्रांसवर्स डायमीटर। ट्रांसवर्स डायमीटर बोलो यस और नो? कि जब पेल्विस को ऐसे करते हैं तो इसका मतलब कि जो 6 नंबर पॉइंट है उसको अपन काउंट करें तो ये हमारा क्या होगा, इलियोपेक्टिनल लाइन होगा और ये दर्शाता है ट्रांसवर्स डायमीटर। और ट्रांसवर्स डायमीटर होता है वो कितना होता है, 12 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 12 सेंटीमीटर। ओके सॉरी, ट्रांसवर्स जो डायमीटर होता है वो 13 सेंटीमीटर होता है। ये सुनो, यानी इलियोपेक्टिनल लाइंस के मध्य की जो डिस्टेंस होता है इसे अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स डायमीटर, और ये 13 सेंटीमीटर होता है। ये सुनो। ओके, अगली कंडीशन में हम बात करें, ये देखो नंबर 6 के बारे में, और यहाँ पर ये कितना है, ये ट्रांसवर्स है और कितना, 13 सेंटीमीटर है। ये क्या था, एंटीरियर पोस्टीरियर था, और एंटीरियर पोस्टर के अंदर हमने 3 किया था, 11, 10 और 12 किया था। ये सुनो इनलेट के बारे में, ये सुनो। ओके, अगली कंडीशन में हमारे पास में ओब्लिक यानी अभी तिरछा की बात हो रही है कि ओब्लिक डायमीटर कितना होता है। तो देखो देयर आर टू ओब्लिक डायमीटर, दो ओब्लिक डायमीटर होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। हाँ, राइट और लेफ्ट हो सकते हैं। यस, ईच वन एक्सटेंड फ्रॉम द वन सेक्रोइलियक जॉइंट, यानी ये प्रारंभ होते हैं सेक्रोइलियक जॉइंट से टू द ऑपोजिट इलियो प्यूबिस इनिमिस। ये सुनो, और ये ऑपोजिट होते हैं इलियो प्यूबिस इनिमिस के। और मेजरमेंट की बात करें तो ये हमेशा कितने होते हैं, 12 सेंटीमीटर। और राइट और लेफ्ट डिनोट द सेक्रोइलियक जॉइंट विच आर स्टार्ट। देखो ओब्लिक डायमीटर की बात हो रही है, तो देखो कि ये लेफ्ट ओब्लिक है और ये राइट ओब्लिक है। ये सुनो, तो बात करते हैं कि साहब यहां पर बताओ इसको अपन सेक्रो इलियाक जॉइंट कहते हैं, तो बताओ क्या सेक्रो इलियाक जॉइंट से ओब्लिक का ओब्लिक डायमीटर है वो स्टार्ट होता है। और ये जो इसके ऑपोजिट के बारे में बात करें, नंबर 6 के बारे में बात करें, तो नंबर 6 में कौन था है, इलियोपेक्टिनल लाइन है। क्या है? इलियोपेक्टिनल लाइन होता है। बोलो ये सॉरी नंबर इसके अंदर में बोलो इसके ऑपोजिट होता है वो होता है कौन सा, इलियो प्यूबिस इनिमिस होता है। क्या होता है? इलियो प्यूबिस इनिमिस होता है। यस और नो? वी कैन सी द बोनी मार्क्स। तो नंबर में बात करूं इलियो,
नंबर फाइव की बात करें, ये जो मार्क होता है, ये देखो यहाँ से लगाकर यहाँ और यहाँ से लगाकर यहाँ, ये क्या है, ये ऑब्लिक है, क्या है, ये ऑब्लिक डायमीटर है, बोलो सुनो। यस, तो इसका मतलब इलियो प्यूबिस इनिमिस के ऑपोजिट और जो सेक्रोइलियक जॉइंट है वहां से स्टार्ट होता है कौन सा, ऑब्लिक डायमीटर, और ये होता है 12 सेंटीमीटर होता है, कितना 12 सेंटीमीटर होता है, लेफ्ट और राइट दो होते हैं, ये सुनो। यस, ट्रांसवर्स एक होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर एक होता है, बट ऑब्लिक डायमीटर दो होते हैं, लेफ्ट और राइट। यस, ब्रिम के बारे में बात कर रहे थे, इनलेट के बारे में बात कर रहे थे, इनलेट के अंदर हमने बात किया था, ये सुनो। यस, एंटीरियर पोस्टीरियर तो ट्रू कॉन्जुगेट था वो 11 सेंटीमीटर, ऑफसेटी कॉन्जुगेट 11 सेंटीमीटर था, ट्रू था हमारा 11 और ऑब्स्टेट्रिक था हमारा 10 और डायगोनल कॉन्जुगेट था 12 सेंटीमीटर। ये सुनो, ऑब्लिक डायमीटर बिल्कुल 12 सेंटीमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर कितना 13 सेंटीमीटर बताया था, बोलो सुनो। यस, अगली बात करेंगे हम कैविटी के बारे में। यस, कैविटी के बारे में बात करें, कैविटी का मतलब इनलेट और आउटलेट का बीच का जो कंडीशन होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, कैविटी बोलते हैं। तो कैविटी इज द सेगमेंट ऑफ द पेल्विस बाउंडेड अबव इनलेट एंड बिलो द प्लान लीस्ट पेल्विक डायमेंशन, कि ऊपर की तरफ इनलेट होता है, नीचे की तरफ आउटलेट होता है, बीच का जो पोर्शन होता है उसे अपन कैविटी बोलते हैं, गुहा बोलते हैं। वैसे मैं इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट बात करूं तो इट इज ऑलमोस्ट राउंड शेप, कि ये शेप की तरफ बात करें तो ये राउंड शेप का होता है, राउंड मतलब गोल गोल होता है, बोलो सुनो। प्लान की बात करें कि कैसा, सेक्शन कटिंग की बात करें तो प्लान एक्सटेंड यानी फैला हुआ होता है फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड जंक्शन ऑफ द सेकेंड थर्ड सेक्रल वर्टिब्रा, ये सुनो कि सिम्फाइसिस प्यूबिस से और जंक्शन बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड सेक्रल वर्टिब्रा, ये सुनो। यस, तो वी कैन सी इन दिस डायमीटर, देखो इन दिस कंडीशन में वी कैन सी, देखो कि ये कह रहा है कि यहाँ सिम्फाइसिस प्यूबिस है, यस, यानी ये सिम्फाइसिस प्यूबिस हो गया और सेकेंड और थर्ड यानी कि 1 2 और थर्ड यानी यहां से लेके यहां तक है वो हमारा क्या है, इधर से सेकेंड और थर्ड से है वो क्या होता है, कैविटी स्टार्ट होती है, कैविटी बिगनिंग होती है, बिगनिंग का मतलब प्रारंभ होती है, और ये नीचे के पोर्शन तक होती है, सेक्रम वर्टिब्रा, यह क्या है, सेक्रम वर्टिब्रा। ये सुनो कि सामने की तरफ तो बात करें, सामने की तरफ बात करें तो इसका मतलब ये तो हमारा सिम्फाइसिस प्यूबिस, और पीछे की तरफ सेकेंड और थर्ड के बारे में बात करें, ये सुनो, तो सेकेंड और थर्ड हमारा कौन सा पोर्शन हो गया, 1 2 3 4 5 सेक्रम वर्टिब्रा होती है, तो सेकेंड और थर्ड से इसका क्या होती है, बिगनिंग होती है, बोलो सुनो। यस, अगली कंडीशन में हम बात करें, यस वी कैन सी, तो देखो कि यहाँ तक इनलेट होती है और हमने कांत कांत फैली होती है, मिड पॉइंट ऑफ द पोस्टीरियर बता दिया ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस, सिम्फाइसिस प्यूबिस का ये पीछे की तरफ, और जंक्शन सेकेंड और थर्ड सेक्रल वर्टिब्रा बता दिया, बोलो ये सुनो। यस, डायमीटर के बारे में बात करें कैविटी के अंदर, तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर की बात करें तो ये होता है 12 सेंटीमीटर होता है, क्या होता है, 12 सेंटीमीटर होता है। यस, इसका मेजरमेंट फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस होता है, इसका जो मेजरमेंट है मैं कह सकता हूँ कि ये सिम्फाइसिस प्यूबिस से इसके पोस्टीरियर साइड से होता है, ना कि आगे की तरफ से। ओके, जंक्शन सेकेंड और वर्टिब्रा, इसका मतलब देखो, ओके वी कैन ऐसे, ओके इसके पीछे की तरफ बात करें और ये सेकंड हो गया, तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर 12 सेंटीमीटर होता है, किसका, कैविटी का होता है, क्योंकि ऊपर वाला क्या है वो इनलेट है, क्या है, ब्रिम है, ब्रिम पोर्शन है, तो सेकंड यहाँ से शुरू लेके यहाँ तक होता है वो कौन सा है, कैविटी के अंदर शामिल आता है, बोलो सुनो। यस, ओके, तो अगली कंडीशन में बात करते हैं, ये सुनो, ओके, कैविटी के अंदर ही बात कर रहे थे, तो इसका मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर जो डायमीटर होता है वो होता है 12 सेंटीमीटर, मेजरमेंट होता है सिम्फाइसिस प्यूबिस के पोस्टीरियर से और सेकंड और थर्ड वर्टिब्रा, ये सुनो। ओके,
ट्रांसवर्स की बात करें तो ये ट्रांसवर्स इसका डायमीटर भी कितना होता है 12 सेंटीमीटर, बट इट कैन नॉट बी प्रिजर्वली मेजर्ड एज ए पॉइंट ऑफ द लाई ओवर द सॉफ्ट टिश्यू कवरिंग द सेक्रोसाइटिक नोच एंड द ऑब्स्टेटिक फोरामिना। कह सकते हैं कि इसे सटीक रूप से मापा नहीं जा सकता ट्रांसवर्स डायमीटर की बात करें, कैविटी में ट्रांसवर्स डायमीटर की बात करें पेल्विस में, तो इसका ट्रांसवर्स डायमीटर है वो एक इम्पोर्टेंस यानी एक एग्जैक्टली है वो मेजरमेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका जो पॉइंट है वो सॉफ्ट टिश्यू से क्या होता है साइक्रोनिटोज और ऑब्स्टेटिक फोरामिना से क्या होता है कवर होता है, तो इसका मतलब कि टिश्यू है वो मापने के दौरान अंदर और कम और ज़्यादा भी हो सकते हैं, दैट्स वाई इसको अपन एग्जैक्ट नहीं माप सकते, बट वी हैव द 12 सेंटीमीटर होता है, कितना सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर होता है। यस कि देखो कि इसको बोलते हैं ग्रेटर साइटिक नोच, और हम डायमीटर की बात करें तो ये कौन सा ट्रांसवर्स होगा, इसका मतलब टिश्यू लूज होते हैं, दैट्स व्हाई हम इसको हम यहाँ पर कह सकते हैं कि माप नहीं सकते एग्जैक्टली सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। यस बाकी ये देखो कि ये सेक्रोटूबिकल्स लिगामेंट्स होते हैं, लिगामेंट्स का मतलब ये लिगामेंट्स, यस बोन को बोन से जोड़ने वाला स्ट्रक्चर होता है, यस ये सेक्रो स्फिनेस लिगामेंट्स होता है, इसके जो पेलिस के क्या है लिगामेंट्स के नाम है ये सुनो। ओके अगली कंडीशन में हम बात करें, यस वन और इंपॉर्टेंट थिंग्स कि जो कैविटी का जो ऑब्लिक होता है वो भी कांट बी मेजर आउट देयर एग्जैक्टली। ओके हाँ यस आउटलेट के बारे में बात करें तो हमने इनलेट और कैविटी के बारे में बात किया, अगला जो पोर्शन है वो हमारा क्या है आउटलेट पोर्शन है, क्या पोर्शन है आउटलेट पोर्शन के बारे में बात करें तो देखो आउटलेट के बारे में बात करें तो ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं कि अंदर बार वाला जो लास्ट का पोर्शन है उसे हम क्या बोलते हैं आउटलेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं आउटलेट। ये सुनो यस तो इसके अंदर देखो कि इट इज एंटीरियर वॉल इज ए डेफिशिएंसी ऑफ द प्यूबिक आर्क, यानी प्यूबिक आर्क के बारे में बात कर रहे हैं, यानी इसकी प्यूबिक आर्क यानी कहीं ना कहीं चाप की बात कर रहा है, एंटीरियर पोर्शन होता है प्यूबिक आर्क होता है। ये सुनो प्यूबिक आर्क क्या है, ये प्यूबिक आर्क है, देखो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये आप वी कैन ये जो पोर्शन है उसको बोलते हैं प्यूबिक आर्क। बताओ क्या ये एक प्रकार का चाप है क्या, तो इसका मतलब ये कौन सा पोर्शन पोर्शन है, ये एंटीरियर पोर्शन है, क्या पोर्शन है एंटीरियर पोर्शन है, इसका मतलब कि ये प्यूबिक आर्क हो गया। बोलो ये सुनो ये प्यूबिक आर्क है आउटलेट का एंटीरियर है, ये सुनो। ओके अगली कंडीशन में बात करें आपसे, ओके तो इसके बाद अपन कंडीशन में बात करें कि लेटरल वॉल आर फॉर्म द एशियल बोन, क्या है लेटरल बोन के बारे में बात करें तो लेटरल बोन है वो कैसा है, यस लेटरल बोन के बारे में बात करें तो ये होगी लेटरल बोन, तो ये हो गया लेटरल वी कैन द इश्चल। ओके ये क्या हो गया इश्चल हो गया इश्चल स्पाइन, ये सुनो ओके तो इश्चल बोन हो गई इश्चल स्पाइन बोल दो। पोस्टीरियर के बाद इंक्लूड द होल ऑफ द कोकिक्स, कि पोस्टीरियर के अंदर हम बात करेंगे ये पूरा जो पोस्टीरियर पोर्शन है वी कैन काउंट कि आउटलेट का जब पोस्टीरियर की बात करें आउटलेट का पोस्टीरियर आउटलेट पोस्टीरियर के बारे में बात करें तो पोस्टीरियर के अंदर जो ये पूरा पोर्शन है पूरा कोकिक्स इंक्लूड होता है, पूरा कोकिक्स को अपन पोस्टीरियर के अंदर क्या करते हैं शामिल करते हैं। बोले सुनो यस शेप इज एंटीरियर पोस्टीरियर ओवल, इसका जो शेप होता है मैं कह सकता हूँ कि आउटलेट का वो कैसा होता है एंटीरियर पोस्टीरियर वो ओवल शेप यानी अंडाकार होता है, कैसा होता है अंडाकार। बाकी हमने पढ़े थे कि साहब ये कैविटी और जो मैं कह सकता हूँ कि कैविटी और इनलेट है वो कैसे होते हैं राउंड शेप के होते हैं। बोलो सुनो यस तो प्लान सेक्शन के बारे में बात करें तो प्लान अदरवाइज नोन एज द प्लान लीस्ट पेल्विक डायमेंशन और द नैरो पेल्विस, ये होता है सबसे ज्यादा नैरो पेल्विस होता है, क्योंकि देखो कि ये बेसिन शेप होता है पेल्विस, तो इसका मतलब इनलेट होता है वो क्या होता है चौड़ा होता है, इसके बाद कैविटी कम चौड़ी होती है और आउटलेट की बात करें थोड़ा और कम चौड़ा यानी नैरो हो जाता है। ये सुनो कि प्लान एक्सटेंड यानी फैला हुआ होता है लोअर बॉर्डर ऑफ द सिम्पाइसिस प्यूबिस है प्यूबिस टू टिप ऑफ द एस्टियल स्पाइन एंड द पोस्टीरियर की बात करें मीट आगे की तरफ से हमने बात किया कि सिम्पाइसिस प्यूबिस का लोअर पोर्शन से और मैं पोस्टीरियर बात करूं इसके अंदर मीट द टिप ऑफ द फिफ्थ सेक्रम वर्टिब्रा की लास्ट में सेक्रम वर्टिब्रा से पूरा कोकिक्स इसके अंदर पोस्टीरियर शामिल होता है
तो लास्ट वर्टिब्रा से ये इसका क्या होता है, पोस्टीरियर साइट होता है। बोलो सुनो, यस ये नेरोस की बात हो गई। अगली हम स्पेसिन के अंदर बात करें, डायमीटर की बात करें, क्या बात करें, डायमीटर की बात करें, तो आउटलेट का जो डायमीटर होता है स्पेशली, तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर के बारे में बात करें, ये सुनो, यस तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर की डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द सेक्रम, ये टिप ऑफ द सेक्रम से लगाकर लोअर बॉर्डर ऑफ द सिंपाइजिस प्यूबिस, ये होता है 13 सेंटीमीटर होता है, ये सुनो। तो इन दैट कंडीशन में आप देखो, इसको देखो, ओके ओके, एंटीरियर पोस्टर के बारे में बात करें तो देखो, वापस हम लोअर की बात करें, चलो इसको नीचे से, ये सुनो, सम ऑफ दी, यस वी कैन अंडरस्टैंड, ये देखो कि हम बात करें कि लोअर बॉर्डर के बारे में बात करें सिंपाइजिस प्यूबिस, और ये पूरा जो सेक्रम का पोर्शन है इसको अपन एंटीरियर पोस्टर में काउंट करते हैं, क्या करते हैं, एंटीरियर पोस्टर में काउंट करते हैं, बोलो सुनो, यस। तो यस कि सेक्रम, टिप ऑफ द सेक्रम के बारे में बात कर ली, सेक्रम लोअर बॉर्डर ऑफ द सिंपाइजिस प्यूबिस, और दोनों का जो डायमीटर होता है वो कितना, 13 सेंटीमीटर, क्योंकि आउटलेट में पूरा कॉकिक्स इसके अंदर ही आता है, तो हम इसका जो मेजरमेंट है वो हमेशा सेक्रम, टिप ऑफ द सेक्रम से ही करेंगे, ये सुनो, टिप ऑफ द सेक्रम से मतलब सेक्रम के नीचे का पोर्शन, लास्ट टर्मिनल, ये सुनो। ट्रांसवर्स के बारे में बात करें तो बिटवीन होता है टिप ऑफ द टू इश्चियल स्पाइन होता है, वो 11 सेंटीमीटर होता है, इश्चियल दोनों तरफ से इश्चियल स्पाइन का होता है, इसको अपन बोलते हैं क्या बोलते हैं, 11 सेंटीमीटर होता है, और ये ट्रांसवर्स डायमीटर है, ये सुनो, यस। अगली कंडीशन में बात करते हैं अपन, यस ओके, अगली कंडीशन में हम बात करें ये आपके सामने, तो व्हाट इज द टाइप्स ऑफ द पेल्विस, हम बात करें टाइप्स ऑफ पेल्विस के बारे में बात करें, ओके पेल्विस मुख्य रूप से हमारे पास में बात करें तो हमारे पास में 4 टाइप पेल्विस होते हैं, 4 टाइप पेल्विस, 4 टाइप के पेल्विस होते हैं इसके अंदर, हम बात करें आपसे तो वी हैव द 4 टाइप पेल्विस, ओके नंबर वन, ओके नंबर वन उसको बोलते हैं गायनेकोइड पेल्विस होते हैं, क्या होते हैं, गायनेकोइड पेल्विस के बारे में बात करें तो गायनेकोइड पेल्विस है वो, इसे अपन फीमेल पेल्विस कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, फीमेल पेल्विस, इसे फीमेल पेल्विस के नाम से भी जाना जाता है, ये सुनो, ओके। इसके बाद अपन फीमेल पेल्विस के बारे में बात करें तो इसका जो शेप होता है, इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, राउंड शेप होता है, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट, इसे फीमेल पेल्विस कहते हैं गायनोकॉइड को, और ये जो होता है राउंड शेप का होता है, कैसा होता है, राउंड शेप का होता है, ये सुनो, ओके। मैं इसके अंदर मैं बात करूंगी फीमेल्स के अंदर जो गायनोकॉइड पेल्विस होता है वो 50% फीमेल्स के अंदर देखा जाता है, ये सुनो कि फीमेल्स के अंदर जितनी भी फीमेल्स होती है 100 में से 50 महिलाओं में गायनोकोइड पेल्विस होता है, कुछ फीमेल्स में कुछ अन्य टाइप का भी हो सकता है, बट 50% वुमेन में है वो गायनोकोइड पेल्विस होता है, और ये फीमेल पेल्विस कहते हैं, और इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, राउंड शेप का, और 50% वुमेन में देखा जाता है, बोले सुनो, यस। अगली कंडीशन में नंबर दो के बारे में बात करें उसे अपन बोलते हैं एंड्रॉइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंड्रॉइड पेल्विस, ये सुनो, एंड्रॉइड पेल्विस बोला जाता है, एंड्रॉइड पेल्विस बोलते हैं, या इसको अपन दूसरे वर्ड से बोले तो इसे मेल पेल्विस के नाम से भी जाना जाता है, क्या जानते हैं, मेल पेल्विस के नाम से भी जाना जाता है, और इसके अंदर हम शेप के बारे में बात करें, यस व्हाट इज द शेप, शेप के बारे में बात करें तो इसका जो शेप होता है वो हर्ट शेप होता है, कैसा नाम शेप होता है, हर्ट शेप होता है, बोलो सुनो, इसे हर्ट शेप के नाम से भी, यानी हर्ट शेप होता है, यस कुछ लाइक ऐसा कुछ ऐसा, यस और नो, ओके। एंड्रॉइड पेल्विस के बारे में बात करें, एंड्रॉइड पेल्विस इन फीमेल, कि एंड्रॉइड पेल्विस है फीमेल, कितने परसेंट फीमेल में देखा जाता है, तो वी कैन सी द 20% वुमेन, कि 100 में से 20 फीमेल्स के अंदर एंड्रॉइड पेल्विस होता है, एंड्रॉइड पेल्विस नैरो टाइप का होता है, तो मे बी सम ऑफ द कंडीशन में इसके अंदर नॉर्मल जो वेजाइनल डिलीवरी है वो होना मुश्किल सा हो जाता है, बोलो सुनो, यस।
अगली कंडीशन में नंबर थर्ड कंडीशन में हम बात करें, नंबर थर्ड कंडीशन में तो हमारे पास में होगा एंथ्रोपोइड पेल्विस के बारे में बात करें, एंथ्रोपोइड पेल्विस के बारे में बात करें तो ये होता है, मैं बात करूं कि ये जिसका जो शेप होता है वो लॉन्ग ओवल होता है। कैसा होता है? लॉन्ग ओवल होता है, यानी इसका जो शेप होता है वो अंडाकार होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि लॉन्ग ओवल या ओवल शेप का जो पेल्विस होता है उसे कौन सा बोलते हैं? एंथ्रोपोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोइड बोलते हैं। और हम बात करें कि फीमेल के अंदर एंथ्रोपोइड पेल्विस से लगभग 25% पाया जाता है। एंथ्रोपोइड पेल्विस का जो टाइप है पेल्विस, वो 100 में से 25% वुमेन में पाया जाता है। ये सुनो, अगला नंबर हम बात करें, नंबर फोर्थ के बारे में बात करें, नंबर फोर्थ के बारे में बात करें आपसे। यस, तो नंबर फोर्थ है उसको अपन बोलते हैं पेलेटी पेलेटी पॉइंट पेलेटी पॉइंट पेल्विस। पेलेटी पॉइंट पेल्विस के बारे में बात करें तो इन दैट कंडीशन में इसका जो शेप होता है उसका बात करें तो शेप, यस और नो? शेप के बारे में बात करें तो इसका शेप होता है वो बीन शेप होता है। कैसा होता है? बीन शेप होता है। बीन एक प्रकार का क्या है? सीड है। सीड यानी बीज के आकार, बीन शेप बीज के आकार का, या मैं कह सकता हूँ कि ये किडनी शेप होता है। कैसा होता है? किडनी शेप होता है। बोलो यस और नो? यस, किडनी शेप यानी लाइक कुछ ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। यस और नो? ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है उसे अपन पेलेटिपोइड पेल्विस कहते हैं। यस और नो? यस। तो देखो कि बात करें कि जो गायनेकोइड पेल्विस होता है इसे अपन फीमेल पेल्विस कहते हैं। 50% महिलाओं के अंदर ऐसा पेल्विस होता है और इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है? राउंड शेप होता है। बोले सुनो। यस, हम एंड्रॉइड पेल्विस के बारे में बात करें तो एंड्रॉइड पेल्विस है, वैसे तो ये क्या है? मेल पेल्विस है, ओके, और ये फीमेल पेल्विस है, और कम से कम 20% महिलाओं में ये सब पाया जाता है, और इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है? हार्ट शेप होता है। बोले सुनो। ओके, अगला हमने पढ़ा था एंथ्रोपोइड, पढ़ा था एंथ्रोपोइड पढ़ा था, और मैं बात करूं कि इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है? ये ओवल होता है। कैसा होता है? ओवल होता है, और 25% महिलाओं में ऐसा पाया जाता है। 25% महिलाओं में एंथ्रोपोइड टाइप का पेल्विस भी पाया जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा था पेलेटिपोइड, पेलेटिपोइड पर डाटा, और ऐसा 5% महिलाओं में देखने को मिलता है, और इसका जो शेप होता है वो किडनी शेप होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें हम एक नॉर्मल डिलीवरी रेयर चांस में करवा सकते हैं, ना के बराबर, रेयरली हम इसके अंदर क्या होती है? नॉर्मल डिलीवरी होती है। ये सुनो। सो आज की क्लास में हमने कंप्लीट पेल्विस के बारे में सम ऑफ द इम्पोर्टेंट बातें डील में की। होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।